goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what... हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत। और आज आपको मैं एक स्पेशल मशीन लेके आया हूँ जो एक सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर है, जो एक एजेक्स फ्लोरी नाम की एक कंपनी है वो इसको बनाती है। ये पर्टिकुलर एक 4000 मॉडल है, इसमें अलग अलग मॉडल आता है, 2000 4000 वो साइज़ के हिसाब से आता है। तो देख सकते हैं ये ऊपर एक बकेट है जिससे ये कंक्रीट को अंदर डालते हैं। अभी मैं इसका एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगा कैसे ये सारा काम करता है। पूरा हाइड्रोलिक्स पे चलता है। अगर हम बात करें तो मतलब इस टाइम पे जैसे ये हाइड्रोलिक्स दिख रहे हैं आपको, पूरा मशीन पार्ट समझ में आ रहा होगा। इसमें व्हील जो इसका अगर मैं बात करूँ, बहुत ही मैसिव व्हील है क्योंकि ये हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है मशीन, तो इसके लिए 4x4 होना ज़रूरी है और बड़ा व्हील साइज़ है। ये साइड में देख सकते हैं वाटर टैंक्स हैं। मैं इन सब के डायमेंशन, इन सब की कैपेसिटी भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस पे बैजिंग है, ये एग्रो 4000 की, ऐसे ही जो छोटा होता है वो एग्रो 2000 होता है। जब कार चलती है, जब ये मशीन चलाते हैं तो ये सामने इधर को मुंह कर लेते हैं ड्राइवर, ये दोनों तरफ रोटेट हो सकती है। मैंने जो इसके ऑपरेटर है उनसे भी बात करने की कोशिश करी है, थोड़ी सी आवाज़ उसमें क्लियर नहीं है, मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। और ये मिक्सर हमेशा चलता रहना चाहिए, जब तक इसमें कॉन्क्रीट पड़ा होगा तो ये रोक नहीं सकते हैं, ये इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि इसके अंदर जो मिक्सर है एक तो कंटिन्यूसली वो मिक्स होना चाहिए और वो सूख ना जाए, मतलब जम ना जाए एक तरीके से। तो आइए बात करते हैं हम, थोड़ा सा हो सकता है वॉइस क्लियर ना आए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मशीन के बारे में बताइए अपनी। जी, इसका काम है कंक्रीट बनाना। हाँ, तो इसमें आप मटेरियल है वो अपने आप आगे वाले से? हाँ, उसमें उठाता हूँ। इसमें एक पैनल है, इसमें बेड दिखता है, इसमें बेड दिखता। हाँ, कितना हमें क्या लेना, पानी, सीमेंट, कंक्रीट सब कुछ दिखता है। फिर आप बस इसको ऑन करके छोड़ देते हैं? हाँ, अपने आप हाँ मिल जाता है। कहीं पे आप जैसे कंस्ट्रक्शन की साइट पे जाते हैं तो इतने बड़े टायर हैं, कभी अटके हो? कभी नहीं, कहीं अटकते नहीं, ये चारों 4x4 होता है इसमें। अच्छा, हाँ अटकता नहीं है कहीं भी। मैं कोई यहाँ पे आगे खड़ा हो सकता हूँ? बिल्कुल आ जाओ, खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बता रहे हैं इसमें आप मिक्सर देख सकते हैं? हाँ, इसमें सब कुछ देख के हमने कितना क्या लिया सब कुछ देख सकते हैं इसमें। खाली होता जाता है वो भी आपको पता लग? हाँ, वो पता लग जाता है कितना है। अच्छा, ये चलाने में कुछ अलग से मतलब आपको लेना पड़ता है इसका, कुछ टेस्ट वेस्ट होता है या कुछ मशीन चलाने के लिए या लाइसेंस? ना, इसमें लाइसेंस लगता है, हैवी लाइसेंस लगता है। हैवी लाइसेंस? हाँ। तो ऑपरेट करने में दिक्कत आती है नॉर्मल जैसे ट्रक चलाते हैं उसी के जैसा? नहीं, इसमें कुछ अलग, इसमें सारा वो हैंडलॉक सारा पंप है, सारा हैंडलॉक। हाँ, तो ये जैसे बटन वगैरह दिए हैं इसमें तो आपकी स्पीड हो गई? हाँ हाँ हाँ। और ये आपका स्पीड बताता है या जो मिक्सर घूम रहा है उसका? ये अपना वो दिखाता है, इसमें डीएल दिखाता है, ठीक है, इसमें आरपीएम दिखाता है। ओके। हाँ, इसमें वो दिखाता है ठंडा गर्म का। ठंडा गर्म? हाँ, का। बाकी ये बटन रिवर्स फॉरवर्ड का है, आगे पीछे का। अच्छा, एक गियर है, पहला दूसरा गियर होता है इसमें, दो ही गियर है। और ये मिक्सर घुमाने का, अपलोडिंग और मिक्सिंग, जब तक इसमें मटेरियल पड़ा वो घूमना। हाँ, जब तक घूमता रहेगा ये। हाँ, नहीं जम जाएगा अंदर, इसलिए घुमा के रखना पड़ता है कंटिन्यू। वाइपर का दिया हुआ बटन? हाँ हाँ, सारा कुछ इसमें है। हाँ, सब ये जब चलती है तो कितनी स्पीड तक जा सकती है? 30 स्पीड चलती है। हाँ, और जैसे आप आगे का देखते हो या इस साइड मूव करते हो जब चलाते हो? नहीं, तो सीट घूमती है दोनों साइड। हाँ, जैसे हम आगे चलाना तो सीट घुमा ले जाती है, पीछे चलाना तो यहाँ सीट घूम जाती है। आप जब कंस्ट्रक्शन पे सामान डालते हो? हाँ, घुमाना पड़ता है। हाँ, सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट दिया हुआ अंदर? हाँ, सेफ्टी बेल्ट भी है इसमें, सारा कुछ है। हाँ, सारा कुछ इसमें। हाँ, जब फैन मैंने देखा अंदर लगे हुए, इसमें एसी नहीं है? एसी नहीं है, फैन भर खाली। हाँ, तो ये कितने की आती होगी मशीन? ये 41 लाख की है। 41 लाख? हाँ। और ये आप बता रहे हैं एजेक्स कंपनी की? हाँ, एजेक्स फ्लोरी बोलते हैं इसको। एजेक्स फ्लोरी? हाँ। तो और भी कोई ऐसी कंपनी है जो ये बना रही है? यही अच्छी है अभी तो? यही अच्छी है फिलहाल, यही सक्सेस है, सारी जगह यही चल रही है अभी। हाँ, ये वीडियो भैया यूट्यूब पे डालूंगा, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को? बिल्कुल ठीक है। आपका चैनल? मैं चैनल है ड्राइव विद सिद्धांत, मैं आपको बता दूंगा भी सब्सक्राइब। ठीक है भाई। तो और भी अगर कोई ऐसी आपकी अच्छी मशीन आए तो आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वीडियो बनाता हूँ, है ना, तो अभी थोड़ी आवाज भी है। ठीक है, बट कभी कुछ होगा तो हम डालेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने जो ऑपरेटर की बात सुनी हो आपको समझ में आई हो। कुछ नहीं समझ में भी आया होगा तो मैं आगे रिपीट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा वो सारा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, इस टाइम पे यही सेम मशीन है, बस उसका मॉडल थोड़ा छोटा है। जैसे एग्रो 4000 हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये एग्रो 2500 है। अलग अलग मॉडल आते हैं, एग्रो 2500, एग्रो 2000, एग्रो 4000। तो जिस जगह की जैसी अवेलेबिलिटी हो, जैसा काम हो, ज़्यादा काम चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए तो बड़ी वाले मॉडल ले लो, छोटा है, छोटी जगह है तो इनकी थोड़ा साइज़ भी उस हिसाब से मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना इजीली ये वर्कर इसमें सीमेंट की बोरियों को डाल रहे हैं और
काफ़ी नीचे तक ये बकेट आ जाती है, तो इजीली एक्सेस हो जाता है उनको सीमेंट डालना, और अंदर से ही ऑपरेटर बैठा बैठा इसको सीमेंट को इनटेक कर लेता है, और ये मिक्सर वाले जो अंदर जगह उसमें ये पहुंच जाएगा सारा सीमेंट। आप बगल में देख सकते हैं टैंकर से पानी भी सप्लाई हो रही है, तो इसमें खुद का भी एक टैंक होता है, उसके अलावा अगर डायरेक्टली अगर इसमें वाटर सप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो बकेट है ये बहुत इजीली जो अंदर से मशीन ऑपरेटर है वो इसको नीचे से उठा सकता है, इसमें से कुछ भी कंक्रीट, तो ये बजरी या रोड़ी जिसको कहते हैं वो भी इनटेक कर रहा है। और एक बारी में अगर हम बात करें तो ये जो इनकी बकेट होती है अराउंड 280 लीटर ऑफ मटेरियल ले सकता है, चाहे वो बालू हो चाहे बजरी हो चाहे पानी हो, आप उस हिसाब से एक अंदाजा लगा लीजिए। अंदर एक छोटी सी मशीन होती है, अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है इसमें जो कह सकते हैं डिस्प्ले टाइप का, उसमें ये बताता रहता है कि इस टाइम पे अगर आपकी मशीन में कितना मटेरियल पड़ा है। जैसे कि अगर आपने चार पांच बकेट इसके कंक्रीट डाला है, फिर उसमें चार पांच बकेट बालू डाला है, तो कितना उसको पानी चाहिए, मिक्सर में क्या कमी है, कुछ ज़्यादा डालना है, तो वो सब अंदर बैठा बैठा ऑपरेटर एक डिस्प्ले पे देख सकता है, ताकि उसको एक ईज रहे, ताकि उसको पता रहे कि जो भी मिक्सर अंदर बन रहा है वो सही क्वान्टिटी में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर बालू भी उठा के वो अपने आप डाल रहा है, तो ये बहुत ही टाइम सेविंग है, बहुत जल्दी इससे काम हो सकता है। पहले यही काम लेबर करती थी, उठा के इधर से उधर डालती थी, उसमें काफ़ी मटेरियल उनको डालने में टाइम लगता था और मिक्सर भी बहुत कम बन पाता था। इसमें जब तक ये मटेरियल पूरा डलेगा आधा मिक्सर तो रेडी भी हो जाएगा घूमने की वजह से। अगर हम बात करें इसके ड्रम की तो ये अराउंड 5.3 क्यूबिक मेट्रिक टन मटेरियल अंदर स्टोर करके 0 to 22 रोटेशन पर मिनट चल सकता है। अब आप देख सकते हैं जब पूरा मिक्सर रेडी हो जाता है तो वो उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, और जब उनको मिक्सर जल्दी से रेडी करना है तो हायर स्पीड पे इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो वैसे मशीन की जो ग्रॉस व्हीकल वेट बोला जाता है वो इसका 15,700 किलो का है, तो ये मशीन काफ़ी हैवी है, इसलिए इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो 0 to 30 है। वैसे इस मशीन को इतना टॉप स्पीड पर चलाने की ज़रूरत है भी नहीं, तो 30 स्पीड इसके लिए मतलब ओके है, थोड़ी सी खाली टाइम पे तेज चल सकती है, लेकिन जो कंपनी की ओर से इसको लिमिटेड स्पीड दी गई है वो 0 to 30 है। अगर हम बात करें तो इसमें एक वाटर टैंक होता है जो 720 लीटर का होता है, और फ्यूल टैंक की बात करें तो 110 लीटर का है। इसमें जो अभी बात करें जो इसमें फोर व्हील ड्राइव बोला मैंने, तो ये चारों व्हीकल इसमें 4x4 होते हैं, 4-speed ऑटोमेटिक हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन इसमें दिया हुआ है, तो सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर है। इसकी पोजीशनिंग दो तरीके से हो सकती है, अभी तो क्योंकि ड्राइवर आप देख सकते हैं उसी साइड में चला रहा है, वो चाहे तो अपनी सीट को रोटेट करके बैक साइड पे जा सकता है। इसमें जब मिक्सर रेडी हो जाता है देख सकते हैं, अभी बस वो उसने सारा सामान इसमें उठाया है और वो यहाँ पे लाया, तब तक इसका मिक्सर रेडी है। इसमें ऐसे करके एक छोटा सा पार्ट लग जाता है जिससे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट तक सीमेंट जो कंक्रीट रेडी है वो पहुंचाने में काफ़ी ईजी होती है, और आप देख सकते हैं कितने इजीली पूरी एक रूफ पे लेंटर अगर पड़ना या कोई भी प्लेन जगह पे करा जा रहा है काम, तो बहुत इजीली मतलब इसको यूज़ किया जा सकता है। और किसी भी तरीके के आप देख सकते हैं इस टाइम पे एक माउंटेन पे ये पार्क कर रही है इसने जो व्हीकल है, और बहुत इजीली किसी भी रफ टेरेन पे ये जा सकती है, तो ये बहुत ही अच्छी मशीन मतलब मेरे को तो लगी। आई होप आपने कभी ऐसी कोई मशीन देखी हो तो कमेंट करके बताइए, और देख सकते हैं कितना इजीली इसमें सारा मिक्सर नीचे डाला जा रहा है, और अंदर क्वांटिटी भी एक्चुअल में आती रहती है, जैसे जैसे मिक्सर खाली होता जाएगा अंदर पता लग जाएगा कि ड्रम में अंदर कुछ मिक्सर बचा भी है या नहीं है, तो अगेन वो ड्राइवर उसको फिर से तुरंत ले जाके सारा फिलअप करेगा। और यही काम जो शायद हम मशीन के थ्रू नहीं करते, अगर नॉर्मली करते तो पूरा दिन लगता था, और इसको ये शायद 4-5 घंटे में ही करते सारा। तो देख सकते हैं कितना इजीली ये लेंटर जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पे हमारी मशीन ने पूरा मिक्सर डाल दिया है, और अब वापस वो रेडी है जाने के लिए, तो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है। अब कितना ईजी है शायद आप देख सकते हैं, विद इन अ मिनट आपका सारा मिक्सर उसने नीचे डाल दिया। तो ये जो मिक्सर की क्वांटिटी निकलने की स्पीड है ये भी हम अंदर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिक्सर चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर वापस इसको लेके जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने भी ये मशीन पहली बार देखी थी, मुझे देख के अच्छी लगी, तो मेरे को लगा कि मैं शायद अपने व्यूअर्स को दिखाऊं अगर उन्हें अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर मेरे को ऐसी कोई और अच्छी भी मशीन दिखे तो क्या मेरे को उनके वीडियो बनाने चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कोई भी जो NCR में रहता हो और अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू करवाना चाहता हो, कोई भी कार हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं आपसे मिलके मतलब मैं नोएडा में रहता हूँ तो मैं आपसे डेफिनेटली मिलके वीडियो बनाने में मेरे को भी खुशी मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।